टक्कर देने के लिए ये चेहरा है, नया चेहरा क्या रहेगा? टक्कर देने के लिए नया चेहरा आ जाए। हम शिवराज सिंह से नाराज नहीं है, हम हमारे विधायक से नाराज है। बापू टक्कर में नहीं है, बापू अरे नहीं है बिल्कुल टक्कर में। अगर भाजपा कांग्रेस की बात करें, टक्कर देना है तो ये चेहरा दे पाएगा, नया चेहरा दे पाएगा? नया चेहरा ही दे पाएगा। विधायक परिहार या नया चेहरा, क्या चाहती है जनता? जनता नया चेहरा चाहती है। वो गांव में तो सब जगह हमारे बीजेपी है, लेकिन क्या कभी बीजेपी बापू से इस बार क्या नाराज है लोग? बापू से नाराजगी कारण? नाराजगी कारण ये है कि मतलब चुनाव होता है उस टाइम पे वो आते हैं, उसके बाद में आते हैं वाजपेयी आने चाहिए। परिहार साहब ने काम अच्छा करा है, भाजपा में क्या चाहता है? नहीं, परिहार साहब तो नहीं आएंगे, दिलीप सिंह परिहार तो नहीं आएंगे। 15 साल दिलीप सिंह परिहार विधायक रहे, आए मिले, विकास हुआ, क्या स्थिति, लोग क्या चाहते हैं? वो चुनावी टाइम पे आते हैं, चुनाव के टाइम पे फिर बोल रहे मैंने बहुत काम करा, कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, केवल कागजों में विकास हुआ है और धरातल पे कोई विकास। भाजपा तो है पर हमारे विधायक चेंज होना चाहिए। कभी मिले तीन तीन चार चार साल नौकरा सोचते नहीं, नब्बर तक पत्तों को नहीं। ऐसा तो क्या लग रहा है बापू के नहीं चलेगा जादू? कोई नहीं चलेगा। विधायक जी आज जानते हो विधायक कौन है अपने? तो जानती नहीं हूँ भैया। भाजपा बिल्कुल। तो विधायक परिहार है नया चेहरा? नहीं, नया चेहरा वोटर तो बीजेपी चाहता है, पर दूसरा चेहरा होना चाहिए। विधायक परिहार है नया चेहरा क्या चाहता है? हम नया चेहरा। विधायक जी आए नहीं, मिले नहीं क्या है? परिहार साहब तो बोले बहुत काम कराया। कोई काम नहीं करवाया, तो हमारे यहाँ तो नहीं आए हैं वो। मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। नाराजगी किसी शिवराज से कम आ गए विधायक से? विधायक से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल, में हूँ आपके साथ महेश जैन। चुनावी चर्चा, आम जनता का मूड जानने इस वक्त नीमच विधानसभा के चल्दू जो गांव है इस पे खड़े, यहाँ पर बालाजी रेस्टोरेंट है। आम जनता से बात करने का प्रयास करेंगे, इस बार चुनावी माहौल क्या है? भैया कहाँ के रहने वाले? मैं गांव चल्दू का रहने वाला। क्या लग रहा है माहौल, क्या कह रहा है? भाजपा कांग्रेस टक्कर है इस बार? भाजपा कांग्रेस का टक्कर तो कुछ नहीं है, पर कहने वाले ये है कि दिलीप सिंह परिहार साहब भी आ सकते हैं, पर ज्यादा चांस कांग्रेस का आ रहा है। ज्यादा कांग्रेस का। अगर बात करें भाजपा कांग्रेस की टक्कर की, तो दिलीप सिंह परिहार ने विकास के जो दावे करे 15 साल में पूरे करे, या आम जनता क्या चाहती है नया चेहरा भाजपा में? दिलीप सिंह परिहार बस वो नीमच में काम किया है उन्होंने, हमारे इधर भी काम किया है उन्होंने, पर बीजेपी का माहौल थोड़ा डगमगा गया है, इसलिए बीजेपी थोड़ी हलचल हुई है। टक्कर देने के लिए ये चेहरा है, नया चेहरा क्या रहेगा? टक्कर देने के लिए नया चेहरा आ जाए, नया चेहरा चाहिए। यहाँ भैया खड़े, भैया कहाँ के रहने वाले आप? भैया कहाँ के रहने वाले आप? आप काका कहाँ के रहने वाले आप? राजस्थान की। यहाँ माहौल यहाँ यही रहते हैं अभी फिलहाल? माहौल क्या कह रहा है भाजपा कांग्रेस का इस बार? किसका? कांग्रेस का माहौल चल रहा है भैया काका, यहाँ लोग कुछ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। भैया कहाँ के रहने वाले हो? एमपी का। एमपी मतलब कहाँ पे? राजगढ़ जिला। राजगढ़ के। एमपी में माहौल क्या चल रहा है इस बार? चुनाव में टक्कर है, भाजपा कांग्रेस में क्या माहौल है? अरे हमें पता नहीं, हम तो पहला किसका भारी, लोग किसकी बातें करते ज्यादा? अरे हमें तो नहीं पता है भैया। खड़े भैया कहाँ के रहने वाले? ये कि चंदू का रहने वाला। अगर चंदू की अगर बात करें तो चुनावी माहौल की अगर बात करें, इस बार टक्कर है या माहौल किसका पल्ला भारी है? इस बार देखो सरकार पलटी भी चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए सबको, और कांग्रेस का होना भी चाहिए। स्थानीय विधायक का 3 बार रहे, क्या विधायक ने दावे नहीं करे? नाराजगी शिवराज से या विधायक से? हम शिवराज सिंह से नाराज नहीं है, हम हमारे विधायक से नाराज है। अगर भाजपा में नया चेहरा आता है तो? भाजपा में नया चेहरा आया, देखेंगे हम विचार करेंगे। अगर विधायक से नाराजगी क्यों? विकास ऐसा नहीं हो पाया हमारे क्षेत्र में, कहा विकास का हो पाया हमारे क्षेत्र में ऐसा? वो तो कह रहे करोड़ों का विकास करा है। नहीं, दादा ये बोल रहे विधायक ने करोड़ों का विकास नहीं करा। एक ही बात है सर, वो अरे नॉर्मल राय पूछ रहा हूँ, क्या माहौल क्या भाजपा कांग्रेस का? कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। भैया खड़े, भैया क्या लगता है चुनावी माहौल क्या भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस का लग गया, क्योंकि शिवराज सरकार ने जो खंडनी सेना से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इस चक्कर में भाजपा नहीं आएगी यहाँ पर। लेकिन दिलीप सिंह परिहार तो आप ही के है ना? अरे आप ही के, लेकिन हो नहीं रहे, हमारे वादे पूरे नहीं हुए इसलिए नहीं आएगी। स्थानीय अगर विकास की बात करें तो विधायक इधर तो माहौल कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही? बापू टक्कर में नहीं है? बापू अरे नहीं है बिल्कुल टक्कर में। शिवराज और कमलनाथ कौन पसंद है? नहीं कमलनाथ जी पसंद है। अब क्या राहुल गांधी और मोदी की बात करें तो मोदी जी पसंद? मोदी जी पसंद है भैया। चाय वाले भैया इनसे भी बात करेंगे एक बार। अंकल 2 मिनट बात करेंगे आपसे। अंकल कहाँ के रहने वाले? अरे आप बताओ भैया, क्या लगता है माहौल क्या कहता है भाजपा कांग्रेस? भाजपा ही। विधायक परिहार है नया चेहरा भाजपा में? अपने तो मलाड़गढ़ से है। मलाड़गढ़ से आपका? एमपी में क्या लग रहा है माहौल? एमपी में बीजेपी। मलाड़गढ़ में देवड़ा जी का पल्ला भारी है कांग्रेस का? देवड़ा जी का पल्ला भारी है। बाहर कुछ लोग हैं, काका कुछ खरीदने आए हैं। काका क्या लगता है कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के ही। क्या लग रहा है माहौल क्या कह रहा है भाजपा है कांग्रेस? अब तो कांग्रेस है। कांग्रेस है। बापू ने काम नाम नहीं करा क्या? काम तो करा पर हमारा नहीं करा, जो कांग्रेस ही रहेगी। एक बात है, यहाँ स्थानीय अगर बात करें कांग्रेस को टक्कर लेने के लिए, बापू या नया चेहरा क्या लगता है? नया चेहरा तो हाल चांस तो कम है ऐसा। टक्कर कौन दे पाएगा? टक्कर तो मोदी देगा। कांग्रेस में कौन उम्मीदवार पसंद है?
कांग्रेस में तो शिवराज कांग्रेस में शिवराज पसंद है भैया। आ गया शिवराज का नाम मुंह पे कहीं ना कहीं लोगों के। आगे अगर बात करेंगे तो एक भैया खड़े गाड़ी वाले, कहाँ के रहने वाले हो? राजगढ़ के। राजगढ़ आपसे बात हो गई शायद, है ना? हाँ बिल्कुल। आगे भी चलेंगे, आगे भी भैया खड़े हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। दुकान वाले भैया एक मिनट इधर आओ ना, दुकान वाले भैया एक मिनट इधर आओ ना। भैया चंदू के गांव की बात अगर करें तो चुनाव हो रहे हैं, चुनावी माहौल किसके पक्ष में भारी लग रहा है इस बार? ये तो हम नहीं जानते, हम तो वोट देना हो दे देंगे। नहीं नहीं लोग बात करते होंगे, विकास विकास हुआ कि नहीं हुआ, विधायक परियार ने काम वाम कराया कि नहीं कराया? सब चल ही रहा है, काम तो चलता ही रहता है। तो परियार साहब आए, मिले कि नहीं मिले? परियार साहब अभी तो नहीं मिले हमसे। नहीं मिले तो क्या लोगों में अगर भाजपा कांग्रेस की बात करें टक्कर देना है तो ये चेहरा दे पाएगा, नया चेहरा दे पाएगा? नया चेहरा ही दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा। शिवराज या कमलनाथ पसंद कौन है? हमारे तो मामा जी पसंद है। मामा जी पसंद है, कमलनाथ जी क्यों नहीं पसंद है? वो तो भगवान लो भैया, इनका कहना कमलनाथ जी नहीं पसंद है, मामा जी पसंद है। आगे भी चलेंगे, चौराहे पर कुछ लोग होंगे, सामने दो भैया खड़े हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इस बार चुनावी माहौल की अगर बात करें तो भाजपा या कांग्रेस, गुड़िया कहाँ के रहने वाले हो? 18 साल की हो गई? नहीं हुए अभी, चलो 18 साल के नहीं हुए, इनसे बात करेंगे। तीन भैया का दो मिनट रोको, दो मिनट, कहाँ के रहने वाले हो आप? जीरन। यहीं के रहने वाले हो? जीरन। जीरन के रहने वाले हो। नीमच की बात करें, इस बार चुनाव हो रहे पता है आपको? हाँ। चुनावी माहौल में भाजपा कांग्रेस किसका बल्ला भारी है इस बार? जनता पार्टी का। जनता पार्टी का। विधायक परिहार या नया चेहरा क्या चाहती है जनता? जनता नया चेहरा चाहती है। नया चेहरा क्यों चाहती है? विधायक परिहार तो बोले करोड़ों का विकास हुआ। विकास तो हुआ ना। हाँ तो फिर नाराजगी क्यों? क्या करो, लोग बात कह रहे हैं कि नहीं नया चेहरा आना चाहिए। मिले मिले नहीं क्या? हाँ। चक्कर में है कांग्रेस नहीं इस बार? कांग्रेस नहीं है। मोदी राहुल गांधी पसंद कौन है? मोदी। मोदी राहुल गांधी नहीं पसंद है? लो भैया इनसे भैया से बात करेंगे। तीन युवा खड़े यहाँ पे। भैया चुनाव हो रहे हैं पता है आपको? जी। क्या लगता है माहौल क्या कह रहा है गांव का, भाजपा या कांग्रेस टक्कर किसमें है? देखो गांव में तो सब जगह हमारे बीजेपी है, लेकिन क्या कभी बीजेपी बापू से है इस बार क्या नाराज है लोग? बापू से नाराजगी कारण? नाराजगी कारण ये है कि मतलब चुनाव होता है उस टाइम पे वो आते हैं, उसके बाद में आते ही नहीं। क्या नाम क्या लिखते हैं आप? राजेश गुजर। राजेश गुजर। गुजर साहब मुझे बताइए, बापू बोल रहे करोड़ों का विकास करा, करोड़ों का विकास किया है, लेकिन इन्होंने थोड़ी किया था, आगे से हुआ तो इन्होंने किया क्या? तो इनसे नाराजगी क्या? आए मिले नहीं क्या? आए मिले ही नहीं, जो समस्या होती है जब उसका समाधान करते ही नहीं है। ऐसा क्या चेहरा टक्कर दे पाएगा नहीं दे पाएगा? इस बार तो हो सकता है कांग्रेस का सुनने में आ रहा है नया चेहरा, नया चेहरा भी आ सकता है भाजपा में, बीजेपी में नया चेहरा आएगा आएगी। ऐसा क्या लगता है भैया, ये कह रहे हैं बापू से नाराज है, हकीकत इससे गांव की क्या है? ठीक है अब लगभग लगभग। शिवराज पसंद है कमलनाथ पसंद है? नहीं हमको तो शिवराज मामा जी पसंद। स्थानीय विधायक की बात करें तो आम जनता क्या चाहती है? यही चेहरा नया चेहरा, क्योंकि 15 साल इनका देखा है आपने। हाँ तो हमने तो 15 साल इनका देखा, बहुत ही अच्छा देखा और बहुत ही विकास भी देखा है हमने। और उसके बावजूद सनातन धर्म से भी जुड़े हुए है, सबको जागृत भी किया है, अच्छा भी किया है। इस बार टक्कर ये दे पाएंगे नया चेहरा देखा घूमो उसको टक्कर? नहीं नया चेहरा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन शिवराज मामा का 99। शिवराज ने स्थानीय विधायक की अगर बात करें तो कांग्रेस को टक्कर के लिए यही चेहरा दिलीप बापू है, नया चेहरा पब्लिक क्या चाहती है? नहीं पब्लिक तो नया चेहरा चाहती है, लेकिन दिलीप बापू के आगे नया चेहरा नहीं टिकेगा। ऐसा दिलीप बापू तो आज टिकट मिलेगा तो आएंगे ना? टिकट मिलेगा तो वो कंफर्म है। भैया क्या लगता है माहौल क्या कहता है? आपसे बात हो गई है, चलो आगे भी बात करेंगे, आगे भी दुकान पे चलेंगे, यहाँ पर दुकान पे कुछ बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। इस बार चुनावी माहौल, आम जनता का मूड क्या है? काका आपसे बात हो गई, शायद आपसे हो गई बात। भैया खड़े हैं, भैया कहाँ के रहने वाले हैं? चंदू। क्या लग रहा है चंदू का माहौल, चुनाव होने पता आपको? जी सर। क्या चुनावी माहौल, भाजपा कांग्रेस पल्ला किसका भारी है? सर हम तो यही चाहते हैं कि नया चेहरा आए कोई और किसी और को भी मौका मिले। नया मतलब कांग्रेस में? जी सर। तो भाजपा में चेहरे से नाराज गए, शिवराज से नाराज गए? नहीं नहीं ऐसा कोई ये नहीं, काम सब करते हैं पर मौका सबको मिलना चाहिए। शिवराज पसंद है, कमलनाथ पसंद है? नहीं कमलनाथ। स्थानीय कमलनाथ पसंद है? एक बात, कमलनाथ जी क्यों पसंद है, कारण? उनका ऐसा है कि जैसे अभी वो जो भी स्कीमें निकाल रहे हैं, जैसे उनका जो भी वचन पत्र है 11 सूत्री उनकी मांगे है, और हम ये चाहते हैं कि वो अमल करेंगे करेंगे। राहुल गांधी मोदी क्या पसंद है? नहीं ये तो मोदी है, पर अब हमारे मध्य प्रदेश में ये बात होता है, यहाँ कमलनाथ पसंद है, मोदी राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद है? ये यही कहना चाहते हैं कि बस हमारे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी आए, कमलनाथ जी आएंगे। स्थानीय उम्मीदवार की बात करें कौन पसंद है? उम्मीदवार की कोई भी नया चेहरा हो, जैसे नया चेहरा। क्या लगता है माहौल क्या कह रहा है भाजपा? उम्मीदवार तो भाजपा ही आनी चाहिए, भाजपा नहीं। स्थानीय विधायक दीपा दुबारा? बिल्कुल भाजपा ही आने चाहिए। परियार साहब ने काम अच्छा करा है, भाजपा में क्या चाहता है? नहीं परियार साहब तो इनके नहीं आएंगे, दिलीप सिंह परियार तो नहीं आएंगे, या पवन पाटीदार को दो या सचिन सिंह को दो, नया व्यक्ति चाहिए, नया व्यक्ति चाहिए। शिवराज पसंद कमलनाथ पसंद? नहीं शिवराज पसंद है, शिवराज कमलनाथ जी तो दावे कर रहे, कमलनाथ जी पे भरोसा नहीं है क्या जनता? बिल्कुल ही, शिवराज ने तो ना जाना कितने काम किए, लाडली बेना कमलनाथ जी ने
क्या किया कमलनाथ जी ने? बोले कर्ज माफ करा। ये तो मुसलमानों की सरकार है कांग्रेस। ऐसा टक्कर है इस बार? बिल्कुल टक्कर है, टक्कर तो नहीं रहेगी। वैसे ही शिवराज जीतेगा, टक्कर भैया। शिवराज, शिवराज सीएम बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बनेगा भैया। क्या कहता माहौल, क्या कहता गाँव का भाजपा कांग्रेस? भाजपा। भाजपा कहेगा? बापू फिर आएंगे? बापू नहीं आएंगे। तो कौन आएगा? कोई नया है चेहरा ही। यार बापू से नाराजगी क्यों है इस बार? बापू से नाराजगी है, बापू से नाराजगी है। टक्कर है नहीं है भाजपा कांग्रेस में? टक्कर रहेगी, नया चेहरा रहेगा तो बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से। मोदी का जादू चलेगा नहीं चलेगा इस बार? मोदी का जादू तो चलेगा ही चलेगा, मोदी का जादू चलेगा ही चलेगा। लेकिन ये है कि बापू अगर कुछ नया चेहरा लाए, दूसरा कोई सरकार पार्टी दूसरा चेहरा लाए तो चांस है, वरना भाजपा गई, वरना यहाँ से भाजपा गई है। लो भैया यहाँ कटिंग की दुकान है, भैया करें इनसे बात करेंगे। पहले काका से बात करूंगा, बहुत गहन विचार में है, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। काका नमस्ते। नमस्ते साहब। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहते हैं। कहाँ लग रहा है माहौल, क्या कह रहा है? इस बार चुनाव हो रहे बताए आपको? मैं तो ध्यान नहीं लगाता। एक बात बताओ, माहौल की बात करें, भाजपा का बल्ला भारी है कांग्रेस का इस बार? ये तो राजनीति करने वाले जा रहे हैं। एक बात बताओ, आप इतने बड़े हो, छोटे से बड़े यहीं हुए होंगे, विकास की बात करें, कौन सी सरकार ने काम कराया? बीजेपी ने। बीजेपी ने 15 साल दिलीप सिंह बाजार विधायक रहे, आए मिले, विकास हुआ, क्या स्थिति, लोग क्या चाहते हैं? वो चुनावी टाइम पे आते हैं, चुनाव के टाइम पे। हाँ। फिर भूल जाते। तो क्या लगता, क्या भाजपा में क्या चाहते हैं? आज हम तो विकास चाहते हैं, विकास चाहते हैं। हाँ, इस बार यही चेहरा टक्कर, शिवराज पसंद है कमलनाथ पसंद है? शिवराज पसंद है। तो फिर आप बोल रहे हो बल्ला पता नहीं है क्या स्थिति है? विकास तो बीजेपी ने किया। ऐसा तो बापू आ जाएंगे फिर दोबारा? बापू की नहीं कह सकते, बापू की नहीं कह सकते भैया, इनकी बात बड़ी है। एक भैया खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे, इस बार देरी पे आए हैं। भैया क्या लगता है चुनावी माहौल क्या कह रहा है, चुनाव होने हैं तो बताओगे आपको? इस बार तो कमलनाथ की सरकार बनना तय है। कमलनाथ की सरकार बनना तय है? तय है, निश्चित। क्यों बनेगी कमलनाथ की? शिवराज जी तो बोल रहे मैंने बहुत काम करा। कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, केवल कागजों में विकास हुआ है और धरातल पे कोई विकास। कमलनाथ को लेकर किसान बड़े नाराज है, पिछली बार 2 लाख बोला था डिफॉल्ट हो गए ऐसा किसान बोल रहे हैं। 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया है, मतलब 100 रुपए से लगा के 50,000 तक का कर्ज माफ किया, और आगे भी कर्ज माफ कर रहे थे। वो तो क्या है, कुछ भगोड़े और गद्दार विधायक थे, वो बिक गए, नहीं तो नहीं बिकते। लेकिन एक बात बताओ, कांग्रेस कह रही थी बीजेपी ने खरीद लिया, बिकने वाले कौन थे? बिकने वाले तो हमारे थे, पर वो प्रलोभन में आ गए, दबाव में आ गए। इस बार भरोसा करेगी जनता? बिल्कुल, इसलिए तो रुके हुए टिकट। मतलब कट्टर जो मतलब बिना बिकने वाले और मजबूत आदमी को टिकट मिलेगा आपके पास। इस बार ऐसा बोलते हैं, हर बार पब्लिक तो सरकार बनाना चाहती है, लेकिन ये पैराशूट उतारना, इसको वहां से टिकट मिला, ये कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का, तो लगता है कौन चेहरा पसंद है जनता की बिचार, टिकट किसको मिलेगा? कांग्रेस का कोई भी आए पंजा आएगा और वो निश्चित जीतेगा, और यहाँ तो हमेशा ही कांग्रेस जीतती है। हरीश दुआ, नंदू पटेल आए तो जीतेंगे? बिल्कुल, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। लेकिन आम जनता के बीच कौन चेहरा आया बार बार? चेहरा तो युवा हो तो ठीक है, अच्छा है, युवा किसी युवा को मिलना चाहिए, नया आदमी को मिलना चाहिए। ये बोलो युवा को मिलना चाहिए, हकीकत क्या है? कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से? कांग्रेस जीतेगी? क्या लगता है टक्कर में है कि नहीं माहौल? हर बार कांग्रेस जीतती है यहाँ से। टक्कर में है कि नहीं माहौल? टक्कर में तो नहीं है। टक्कर में कौन? भाजपा टक्कर में नहीं, कांग्रेस टक्कर में नहीं है? भाजपा नहीं है, भाजपा टक्कर में नहीं है। काका कहाँ के रहने वाले हैं? सिमखेड़ा के। सिमखेड़ा चंदू पंचायत में आता है। क्या लगता है विकास की अगर बात करें इस बार माहौल क्या है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा तो है, पर हमारा विधायक चेंज होना चाहिए। विधायक चेंज होना चाहिए, क्या कांग्रेस वांग्रेस का आएगा? किस पर माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो सर बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही चल रहा है। एक बात बताओ, बीजेपी शिवराज पसंद है कमलनाथ पसंद है? शिवराज। राहुल या मोदी? मोदी। मोदी पसंद है। तो स्थानीय विधायक बापू दोबारा आएंगे, क्या स्थिति है? विधायक तो आना ही चाहिए, हमारा विधायक आने पर पाटीदार। विधायक से क्यों नाराजगी है? विधायक से हमारा विधायक कुछ काम का नहीं, काम का नहीं। एक काका आ रहे हैं, उन काका से बात करेंगे, एक बार एक काका आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। यहीं के काका कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ के रहने। यहीं के। क्या लग रहा है चुनावी माहौल में, स्थिति क्या, भाजपा है कांग्रेस इस बार? भाई माना ना, मुझे खेती लग रही है। शिवराज पसंद है कमलनाथ पसंद है? देखो आप बार तो माहौल तो ऐसा नजर आ रही है, शिवराज तो मुश्किल है, पर कांग्रेस को भरोसा किस पे है लोगों को? भरोसा ज्यादा तो शिवराज पे है ना, शिवराज पे भरोसा है। अब एक बात करें स्थानीय विधायक की, बात करें 15 साल दिलीप सिंह बराड़ विधायक रहे, क्या काम कराया, कितनी बार मिले, लोग उनसे खुश है, दोबारा क्या चाहते हैं? हाँ, नहीं वो ठीक है, बढ़िया। आए मिले विधायक परिहार साहब आपसे? आपसे मिले? आए नहीं है पास? अभी, अभी नहीं आए, नहीं आए। हाँ। कब आते, कब है वो? वो कभी आते हैं तो हड़ मंजर आई। आम लोगों से मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। विकास विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास मामूली है, विकास तो मामूली है। तो क्या लगता है इस बार टक्कर है माहौल में, क्या स्थिति है? अब क्या क्या दीदी, 1-2 मिनट आपसे बात करेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? महिलाओं की अगर बात करें, इस बार चुनाव हो रहे हैं, शिवराज का क्रेज जादू चलेगा या कमलनाथ का? सर हमारे हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए, हमारे तो नर्सिंग की एग्जाम ही नहीं हो रही सर। क्या लग रहा है, तो बेटियां क्या चाहती, बेटियों के लिए मामा जी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है बेटियां समर्थन किसका करेगी इस बार?
कमलनाथ का ही करना चाहिए, शिवराज से। ऐसा शिवराज से खुश नहीं है सर? हमारे एग्जाम नहीं हो रही नर्सिंग की, 3 साल हो गए हमें। ऐसा नाराजगी है कहीं नहीं गई? हाँ सर। ये बात करिए, आपने बेटियां थी जिन्होंने नर्सिंग के एग्जाम को लेकर खासे नाराज हैं, एक दीदी और आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे इस बार। एक दीदी, 2 मिनट आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या कह रहे हैं? लेट हो रही हूँ। शिवराज या कमलनाथ पसंद कौन है? नहीं भैया ये नहीं बोल। दीदी 2 मिनट आपसे बात करेंगे, दीदी 2 मिनट बात करेंगे आपसे। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? 2 मिनट रुकिए आप। चल दो मुझे बताओ, इस बार अगर बात करें महिलाओं की, बात करें शिवराज पसंद है कमलनाथ पसंद है महिलाओं को? हाँ, महिलाओं के लिए फायदे का काम, योजना का लाभ मिला नहीं मिला आपको कोई? मैं तो ऐसा कर्मचारी हूँ, मुझे कर्मचारी है भैया, कर्मचारी। एक दीदी और आ रहे हैं इनसे भी बात करेंगे इस बार, एक आंटी जी आ रहे हैं इनसे बात करेंगे। कर्मचारी इसलिए बात नहीं करेंगे, एक बार दीदी से बात करेंगे। दीदी कहाँ के रहने वाले हो आप? एक बात बताओ, अगर बात करें चुनाव हो रहे हैं, पता है आपको शिवराज मामा पे भरोसा है महिलाओं को या कमलनाथ जी पे? तो कई बन सके कौन? योजनाओं की बात करें तो आपको कौन सी सरकार ने फायदा दिया? सरकार तो दोनों मन तो मालूम कौन है। आपको फायदा मिला नहीं मिला? किसी सरकार ने दिया, भाजपा या कांग्रेस? सरकार तो दो ही पार्टी, अभी कोई नहीं। चुनावी माहौल में टक्कर है कि नहीं इस बार? है टक्कर है। क्या लग रहा है विधायक जी बापू आएंगे या मिले नहीं मिले? तो मुझे परगाम की थी, परगाम गए थे। ये काका रहे, काका कहाँ के रहने वाले? इधर आओ, यही के रहने वाले। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या कह रहा है भाजपा या कांग्रेस इस बार? हाँ, कमल जी। कमल जी कह रहे हैं? हाँ। तो कमलनाथ जी क्या आज गए? कमलनाथ जी है, कमलनाथ जी जीतेंगे। कमलनाथ आप तो बोले कमल जी जीतेंगे, कमल का फूल की कह रहे हो? एक बात तो विश्व किसानों की बात करे, भरोसा किस पर? किसानों की बात है, कमलनाथ जी जीते। तो विधायक परिहार ने वादे करे पूरे नहीं करेगा? परिहार साहब आए, मिले कि नहीं मिले? कभी मिले, तीन चार चार साल हुए, रोकड़ा सोपिया ने नब्बर तक पत्तों को नहीं। ऐसा तो क्या लग रहा है बापू के नहीं चलेगा जादू? कोई नहीं चलेगा। एक दीदी खड़े हैं आगे, उनसे बात करेंगे एक बार। इनके बीच लोग कितनी बार आए, महिलाएं भी इधर आगे भी चलेंगे। दीदी कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ चंदू के रहने वाले। चंदू की बात करें अगर तो क्या लग रहा है, भाजपा शिवराज या कमलनाथ, माहौल किसका चल रहा है? कमलनाथ का। कमलनाथ का? शिवराज जी ने तो बहुत काम करा। कुछ काम नहीं करा, हमारे गलियों को देख लो। क्या कुछ काम नहीं करा हमारे? तो विधायक परिवार 3 बार विधायक रहे, आए कि नहीं आए, मिले कि नहीं मिले? कोई नहीं मिले है? है शिवराज जी कर रहे, शिवराज जी नहीं अपने ये हाँ। कमलनाथ। क्या कमलनाथ ने क्या किया? कमलनाथ ने बहुत कुछ कहा हमारे गरीबों के लिए। क्या करा? क्या करा देखो ना, गरीबों को खेती दी, गरीबों में आगे आगे कोनारों में धान पहुंचाया उन्होंने। ऐसा माहौल चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा बाकायदा चलेगा। इनका कहना माहौल चलेगा यहाँ। भैया 2 मिनट रुको ना यार, आपसे बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? एक 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट रुको। कहाँ के रहने वाले, कहाँ के आप? अरनिया बोरा। अरनिया नीमच में आता है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या कह रहा है भाजपा कांग्रेस किसके पक्ष? सर ये नहीं बता सकते हम। विकास विकास हुआ कि नहीं हुआ भैया? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ सर। दिलीप सिंह बरियार आए नहीं 15 साल? नहीं कुछ भी नहीं आया, कोई नहीं आया। गांव में आए, मिले कि नहीं मिले भैया? ये दिलीप सिंह बरियार नहीं आया, हकीकत क्या है? कोई नहीं आया भैया। 1 मिनट रुकोगे आप? आपसे 1 मिनट बात करेंगे खाली। चलो आगे बात करते हैं, 2 भैया आ रहे हैं। 1 मिनट, अरे 1 मिनट खाली बात करेंगे आपसे। चलो बात नहीं कर रहे हैं हम, आपको बताएंगे। एक लाली बहना खड़ी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लाली बहना महिलाओं को लेकर, महिलाएं क्या सोचती इस बार? दीदी कहाँ के रहने वाले हो? तो यहाँ के नहीं है। यहाँ के हो? क्या लग रहा है माहौल क्या कह रहा है भाजपा कांग्रेस इस बार? क्या पता, मैं तो वोट में जानती हूँ देना है। वोट में नहीं बात कर रहे हम, तो ये बात कर रहे हैं कि विधायक 15 साल रहे बापू, दिलीप सिंह बरियार आए मिले, आपको योजनाओं का लाभ मिला, क्या स्थिति है? मेरे को तो क्या है, सब देंगे उस विधायक जी। आए जानते हो विधायक कौन है अपने? मैं तो जानती नहीं हूँ भैया। आए मिले कि नहीं मिले? नहीं आए अभी। नहीं आए विधायक? नहीं आए परिहार साहब? अबार कहाँ आए? आए कि नहीं आए 15 सालों में? आके मिले कि नहीं मिले? नहीं आए थे पहले। कब आए थे? गए साल आए थे। चुनाव के समय? हाँ। है उसके बीच में आए थे? क्या पता, मैं तो यहाँ गदी बाहर गई हूँ। ऐसा आपसे मिले कि नहीं मिले ये बताओ आप? तो अतरी जान नहीं रहे हो माने गाड़ी लग रही। टक्कर है कि नहीं भाजपा कांग्रेस में? माने माँ तो नहीं जाना अतरा है ना। हाँ, इस बार इनसे भी एक काका बात करेंगे। 2 मिनट रुकोगे आप? एक बात करेंगे आपसे 2 मिनट। इस बार इन काका से भी बात करेंगे, इस बार चुनावी माहौल क्या है। और काका कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो बरकेड़ा सोंदिया। बरकेड़ा सोंदिया नीमच में आता है? नीमच में। क्या लग रहा है चुनावी माहौल भाजपा या कांग्रेस इस बार? भाजपा। भाजपा। विधायक परियार है नया चेहरा, क्या जाती जनता? हाँ परियार है। परियार परियार साहब आए, काम हुआ? हाँ है भैया। बोले परियार साहब चाहिए टक्कर के लिए, नया चेहरा चाहिए? सही। अरे आपके गांव में आए, मिले कि नहीं मिले? मिले। बोलो कमलनाथ जी पे भरोसा क्यों नहीं आपको? है कमलनाथ जी बोल रहे मैंने बहुत काम करा किसानों के लिए। अरे देखो यार, मैं मान तो गई है कि शुरुआती में तो भाजपा में। हाँ ऐसा? हाँ। तो क्या लगता क्या है? 40 साल से पहले हार में बैठे थे तो भी वहीं पे थे, तो आज भी वहीं पे हैं। टक्कर है कि नहीं इस बार?
टक्कर तो है, काका खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। काका कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ चंदू की। क्या लगा चंदू में माहौल, क्या कह रहा है भाजपा कांग्रेस इस बार? भाजपा भाजपा बिल्कुल। तो विधायक परिवार नया चेहरा? नहीं, नया चेहरा यार, नया चेहरा क्यों चाहते हैं लोग? नया चेहरा इसलिए चाहते हैं कि वो गधेड़ा काम नहीं करता है कुछ भी, यूं लोगों की सुनता नहीं। टक्कर है कि नहीं इस बार? टक्कर कुछ नहीं, नया चेहरा हो जाएगा तो काहे की। भैया से बात करेंगे, भैया कहाँ के रहने वाले? यही के रहने वाले। क्या लग रहा माहौल, क्या कह रहा है भाजपा कांग्रेस इस बार? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। शिवराज दिलीप सिंह परिवार या नया चेहरा? ये तो विधायक साहब आए 15 सालों मिले, काम हम कराए, क्या स्थिति है? हाँ काम हम तो क्या कराया यार, काम तो कराया। नाराजगी शिवराज से विधायक से? नाराजगी तो इससे है। किससे? क्या बोले, दिलीप सिंह जी से। कामगार क्या चाहते हैं, वोटर क्या चाहता है इस बार? वोटर तो बीजेपी चाहता है, पर दूसरा चेहरा होना चाहिए, दूसरा चेहरा चाहिए इनका कहना है। इस बार वोटर तो बीजेपी है, लेकिन कहीं ना कहीं दीदी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बार महिला है यहाँ पे, इस बार मामा शिवराज महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं में क्या क्रेज है। दीदी कहाँ के रहने वाले हो? न्याय की। क्या लग रहा है इस बार चुनाव हो रहे, पता आपको? पता है। क्या लग रहा है माहौल, भाजपा का चलेगा या कांग्रेस का पलड़ा भारी है? अब देखो क्या मालूम किसका चलेगा। महिला भरोसे की अगर बात करें तो महिलाओं को शिवराज पे, कमलनाथ पे भरोसा किस पे? कमलनाथ पे भी है, शिवराज पे भी है। मतलब शिवराज ने लाली बेना का योजना बनाई तो किसी को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, जैसे मेरे तरीके है। लेकिन भरोसा किस पे? भरोसा अभी तो शिवराज पे चल रहा है, शिवराज पे भरोसा चल रहा है। अगर स्थानीय विधायक की बात करें, 15 साल बापू रहे दिलीप सिंह परिवार, आए मिले जानते हो उनको क्या स्थिति है? आए मिले उनको जानते हो क्या स्थिति है? स्थिति तो क्या बता सकते भैया। भैया सब आए कि नहीं, मिले कि नहीं मिले आपसे? नहीं मिले। नहीं मिले भैया, इनका कहना है भरोसा तो शिवराज पे है, लेकिन जिनको आना चाहिए दो और आगे कुछ युवा बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। लास्ट इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इस बार भाजपा या कांग्रेस माहौल क्या है, काका बैठे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले काका कहाँ के रहने वाले हो? यही के रहने वाले। क्या लग रहा है माहौल, क्या कह रहा है चुनावी, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। भाजपा। शिवराज या कमलनाथ? शिवराज। शिवराज। विधायक की बात करें, परिवार साहब आए, वादे पूरे करे, क्या स्थिति? 15 साल विधायक रहे, भले ही विधायक साहब आए, दिलीप सिंह जी आए या पार्टी की किसी को भी टिकट दे तो बीजेपी नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस को टक्कर देनी है तो यही चेहरा देगा, नया चेहरा देगा? नहीं, नया चेहरा भी दे देगा, नया चेहरा ही देगा। ये दे पाएंगे नहीं पाएंगे? ये दे पाएंगे। ऐसा विकास, विकास हुआ? विकास तो चल रहा है। राहुल गांधी मोदी भरोसा किस पे? मोदी पे। मोदी पे भरोसा है। ये तस्वीरें जो एक काका बैठे हैं सामने, उन काका से और बात करने का प्रयास करेंगे। काका यहाँ पे बहुत पुराने व्यक्ति लग रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। काका बैठ जाए आपके पास में, बैठ जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? चलदू के। चलदू। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल, क्या कह रहा है भाजपा कांग्रेस पल्ला किसका भारी है? चुनाव के मतलब मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा एक बात, तो बापू आए विधायक परिवार, 15 बार विधायक रहे, 15 साल रहे, आए मिले कि नहीं मिले, क्या स्थिति? हम मिल ही रहे, आते हैं तो मिल जाते हैं। हाँ, एक बार टक्कर है कि नहीं चुनाव माहौल में? ये चुनाव के विषय में कुछ नहीं कह सकता। काम वाम हुआ कि नहीं हुआ विकास, ये बताओ? हो ही रहा है। मोदी पसंद है राहुल गांधी? सब भी पसंद है आपको। शिवराज या कमलनाथ कौन पसंद है आपको? अरे सर जो आ जाएगा जो पर। किसके आने की उम्मीद किसकी लग रही है, माहौल किसका लग रहा है? शिवराज जी का लग रहा है। लग रहा है। विधायक परिवार आएंगे, नया चेहरा आएगा इस बार? ये नहीं कह सकते हैं, दुनिया के हाल चाल है, कोई कह नहीं सकता है इसको। तो भरोसा किस पे लोगों को ज्यादा? भरोसा क्या है, गांव में तलाश करो आप जो। मैं तो राजनीति में आता ही नहीं हूँ। ऐसा लोग आते होंगे, बात करते होंगे? नहीं, दुकान पर मैं इतनी बात नहीं करता हूँ। ऐसा, चलो यहाँ बताना चाहूंगा, आगे एक भैया और खड़े, उनसे बात करेंगे। इस बार चुनावी एक युवा आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार चुनावी माहौल क्या है और भाजपा और कांग्रेस युवा क्या सोचता है? भैया कहाँ के रहने वाले हैं? चलदू। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, चुनाव हो रहे हैं? हाँ। क्या लग रहा है माहौल, क्या कह रहा है इस बार भाजपा कांग्रेस, टक्कर है? टक्कर है इस बार। पसंद कौन है, शिवराज या कमलनाथ लोगों की? शिवराज जी। शिवराज जी। स्थानीय विधायक की बात करें, आए मिले या आम वोटर क्या चाहता है? आम वोटर यही। हाँ। बीजेपी को? बीजेपी नहीं। विधायक परिवार ने वादे पूरे करे, आए कहीं गए, क्या स्थिति? आए मिले, जीत जाएंगे, टक्कर है इस बार? टक्कर है, मुकाबले की टक्कर है। दो भैया आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। एक बार ये भी दो आ रहे हैं, इनसे तो पहले बात हो गई है। ये तस्वीरें जो है आपको बताना चाहूंगा, चंदू गांव है नीमच विधानसभा का, जिसके नीमच विधानसभा का चंदू गांव है, जहां आम जनता का चुनावी माहौल में झुमुर बताया। कहीं शिवराज पसंद है तो कहीं कमलनाथ पसंद है। एक काका नए दिख रहे हैं, पुराने और अच्छे काका है। काका क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्या कह रहा है इस बार? आपके कांग्रेस आएगी साहब? कांग्रेस आएगी। बापू आपू ने काम वाम नहीं कराया क्या? नहीं, वो बात नहीं है, सरकार बदलना चाहती है ना। सरकार बदलना चाहती है? सरकार बोल रहे बहुत विकास बदलना चाहता है। आम आदमी बदलाव क्यों चाहता है व्यक्ति? इसलिए चाहता है कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए। हाँ।
और 18 साल हो गए हैं बीजेपी को, इसलिए संतुष्ट नहीं है लोग। तो बापू दिलीप सिंह बिरया तो करोड़ों के विकास की बात करें, 15 साल विधायक सिंह जी ने अच्छा काम किया है, हमारे गांव में भी काम किया है, वो बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस आएगी इससे और अच्छा काम करेगी ऐसा लगता है, उम्मीद आएगी कांग्रेस 100% आएगी। लेकिन सीट आने की संभावना लग रही है इस बार, सरकार बन जाएगी, सरकार बन जाएगी बस। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? जो भी बने पार्टी तय करेगी वो, तो ऐसा हाईकमान जो भी तय। मोदी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है? नहीं, अभी विधानसभा की बात कर रहे हैं अपन, लोकसभा ही टाइम पे लोकसभा की बात कर रहे हैं। मोदी का जादू नहीं चलेगा? नहीं, अभी विधानसभा की बात कर रहे हैं, आगे समय आगे का जादू चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, वो अलग चीज है। हाँ। अभी अपन विधानसभा की बात कर रहे हैं, अपना लक्ष्य है विधानसभा जीतना। लेकिन वो लोग बता रहे मोदी का जादू भी चलेगा ऐसा बता रहे? कुछ नहीं है, लोगों की सोच है। क्या लगता है सबसे बड़ी बात है, अभी एक लक्ष्य पे रहे आदमी, कांग्रेस में कौन उम्मीदवार टक्कर देगा? जो भी आया हमें कांग्रेस को वोट देना है। जो भी टक्कर कौन देगा उम्मीदवार? जो भी होगा कांग्रेस का, कोई भी कुछ किसी को भी टिकट मिले कांग्रेस जीतेगी। चलो दीदी रहे, उन दीदी से बात करेंगे। दीदी 2 महीने से बात करेंगे, कहाँ के रहने वाले हो? अरे कहाँ के रहने वाले हो? चलदू। चलदू की बात करें, महिलाओं को भरोसा शिवराज पे कमलनाथ पे, भाजपा कांग्रेस किस पे भरोसा है? अरे बताओ ना, भाजपा कांग्रेस भरोसा किस पे महिलाओं को? अरे भरोसा किस पे महिलाओं? जो हजार रुपए दिया 20, तो कमलनाथ जी ज्यादा देवे भरोसों को नहीं गई? सब भरोसों से, सब भरोसों। क्या लगा दिलीप विधायक पर्याय आए नहीं मिले? लो भैया, इनका कहना दान की करके इनको खाना है। चलदू गांव की तस्वीरें, जहां कहीं कमलनाथ पसंद है तो कहीं शिवराज पसंद है। अगले चौराहे पे जाएंगे, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चलदू के अगले चौराहे पे पहुंचे पंचायत के, हम खड़े हैं यहां पे। काका, काका क्या लग रहा, चुनावी माहौल क्या कह रहा भाजपा कांग्रेस? यहां तो बीजेपी है, बीजेपी है। हाँ। विधायक परियार या नया चेहरा क्या चाहता है? नया चेहरा। यार एक बताओ, विधायक परियार क्यों नहीं, शिवराज पसंद है तो फिर? ये तो मैम हमारी इच्छा है ऐसा। 15 साल में काम वाम करा, क्या माहौल? कहीं नहीं करा, रोता पड़े ऐसा। मोदी पसंद है राहुल गांधी? मोदी राहुल गांधी, मोदी मोदी। कांग्रेस टक्कर में है कि नहीं इस बार? अब ये तो आप वोट के ऊपर है, आप क्या टक्कर है कि नहीं, माहौल क्या कहता है? माहौल तो बीजेपी आएगी और क्या, बीजेपी आएगी। भैया कहाँ के रहने वाले हो? सोनकस से। एमपी में माहौल क्या चल रहा है, भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस का माहौल चल रहा है भैया। काका खड़े यहाँ पे, काका क्या लगता है कहाँ के रहने वाले हैं? क्या चंदू का माहौल की बात करें, भाजपा कांग्रेस माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ तो हर बार कांग्रेस जीत रही है। इस बार क्या माहौल है? इस बार की नहीं, वो हर बार जीत रही है। विधायक परियार 15 साल रहे, तो क्या काम वाम हुआ, क्या स्थिति विधायक परियार को लेकर, लोग क्या कहते हैं? कुछ विकास ही नहीं करा उनने। आए कि गए, मिले कि नहीं मिले? कौन, विधायक परियार जी? कहा मिले, वो तो बोल रहे करोड़ों का विकास करा। क्या विकास करा, कुछ वो बोल रहे ना, कुछ भी विकास नहीं करा। टक्कर है कि नहीं इस बार? हाँ टक्कर तो है ना, टक्कर तो है। चलो आगे 3 और व्यक्ति बैठे हैं, 3 काका बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। इस बार आराम से बैठकर यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, हम भी इनके साथ बैठेंगे। सबसे पहले काका बैठ जाऊँ, क्या लग रहा माहौल क्या कह रहा भाजपा कांग्रेस इस बार? अरे बाबा, मो तो मारो तो दिमाग ही है, समझते है। विधायक जी आए, मिले कि नहीं मिले परियार साहब? मैं तो मो तो जानू को नहीं दादा, परियार साहब ने नहीं जानो? वाह भैया, परियार साहब को काका क्या लग रहा माहौल क्या कह रहा है? अरे यार माहौल तो कही गई यार, खेती में काम कर रहा है। मो बताओ, मो कहाँ रहते का? अरे अठे रूम चल दूंगा मैं। विधायक परियार 15 साल में आए, मिले क्या स्थिति है? मान तो कहीं मिले को नहीं साहब, मान तो कहीं 15 साल में विधायक जी आए नहीं? आए होगा तो हमें देखे नहीं, हम तो खेती में काम कर रहे था। अरे 24 घंटे खेती करते हो, दिन रात करते हो? दिन रात ही करा, 24 घंटा का ही करेगा। 12 ही महीने खेती में रहते हो? आते पानता करा, देने खेती में करा। किसानों की अगर बात करें, शिवराज पे भरोसा कमलनाथ पे? क्या मालूम अभी सरकार तुम्हारी जाने यार, तुम जानो हम क्या। लोगों को भरोसा किस पे है? भरोसा किस पे? ऊपर वाले पे। योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं मिला हमें तो कुछ नहीं मिला भैया, इनका कहना है। और काका बेटे इनसे भी बात करेंगे। काका क्या लगता है माहौल क्या कह रहा है भाजपा कांग्रेस इस बार? कांग्रेस क्यों बापू, 3 बार विधायक रहे, आए मिले कि नहीं मिले? मिले मिले, काम वाम करा बापू ने, अच्छे दिलीप बापू ने, तो फिर कांग्रेस कैसे आएगी? अब ये तो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक अब इनको खाना पीना मिल जाएगा तो देंगे, नहीं मिलेगा तो जिसको जिसके तरफ होएंगे। ऐसा पब्लिक बदलाव चाहती है? हाँ। लो भैया इनका कहना है, काकी खड़े हैं, दादी जी। दादी जी क्या लग रहा है माहौल क्या कह रहा है भाजपा कांग्रेस इस बार? माहौल तो अब कई लगी रो है के पार्टी तो सैलरी पर मोदी जी ने तो फैला करना की दो ऐसा। तो ये बताओ, शिवराज पे भरोसा है, कमलनाथ पे भरोसा है, कांग्रेस है भाजपा भरोसा किस पे महिलाओं को? अब मान तो मालूम को नहीं, कमलनाथ दावो बल्ली अपने आड़ी तीन बल्ली कोई भी आओ नहीं, लेकिन भरोसा कौन पे आप पाने ज्यादा, भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस पे? मोदी जी पे नहीं है? मोदी जी पे है, 18 साल जीवी से मोदी जी। विधायक जी 18 साल 15 साल विधायक रहे, आए मिले क्या स्थिति है? दिलीप जी ने जानो नहीं जानो? दिलीप जी ने हाँ, निमस आया मिले कि नहीं मिले लोगों थी? आया था एक दौर, बाकी नहीं आया। चलो इस बार बताते काका कहाँ के रहने वाले हो?
अरे कहाँ के रहने वाले हो? चंदू की। क्या ना चंदू में माहौल क्या चल रहा है, किसके फेवर में, भाजपा का पल्ला ना कांग्रेस का? अभी तो किस साइड नहीं बोल सकते, किसी का नहीं, टक्कर है कि नहीं इस बार? विधायक जी आए, मिले कि नहीं मिले? मिले विधायक जी, मिले। भाई जी आ रहे, इनसे बात करेंगे। भाई जी कहाँ के रहने वाले हो? चल दो में बात करें महिलाओं की, तो विधायक जी आए, विकास हुआ, कितनी बार आए परियार साहब, जानते हैं? जानते उनको हैं? ये काम वाम हुआ यहाँ पे? हाँ। भरोसा मोदी पे, शिवराज पे, कांग्रेस पे? कांग्रेस पे भरोसा है, तो विधायक परियार साहब तो बहुत काम कराया है। हाँ। क्या माहौल किसका लग रहा है, सही बताओ? यस कराऊंगा आप कौन से? मैं थोड़ी कह रहा, आपकी मैं कह रहा हूँ। विकास विकास हुआ कि नहीं हुआ? मारा कहीं कोई फरियन कहीं कोई सर नहीं हुई, तो महिलाओं को फायदा नहीं मिला? मारा कहीं मोटे मोटे सो रहे हैं पहले, मन तो दीन। हेलो भैया, यहाँ बात करेंगे, दो तीन लड़के भी खड़े हैं, युवा खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। क्या लग रहा है भैया, कहाँ के रहने वाले हो? चल दो। क्या चंदू का माहौल क्या, भाजपा है कांग्रेस इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस है, क्यों विधायक जी आए नहीं, मिले नहीं क्या? है परिहार साहब तो बोल रहे बहुत काम कराया। कोई काम नहीं करवाया, 15 सालों में आए कि नहीं आए? नहीं आए। क्या टक्कर है इस बार? नहीं है, नहीं कांग्रेस ही आएगी। आपकी कांग्रेस ही आएगी? क्या भैया लगता है माहौल कांग्रेस का इस बार है? क्यों, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने किया अच्छा किया। शिवराज पे भरोसा है कि नहीं आपको? भरोसा नहीं है भैया। एक भैया ट्रैक्टर वाले खड़े, भैया क्या लगता है? जो बाहर का हो। बाहर कहाँ? बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा राजस्थान में माहौल क्या, भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस का। कांग्रेस का माहौल है भैया राजस्थान में। या काका आए हैं, काका इनसे भी बात करेंगे। एक काका आए, काका कहाँ के रहने वाले हो? यही चलदू का। क्या लग रहा है चलदू में माहौल क्या चल रहा है, भाजपा है कांग्रेस? कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है। हाँ। क्यों, विधायक परियार ने काम वाम नहीं करा क्या? नहीं नहीं है। हाँ, नहीं। आए कि नहीं, मिले कि नहीं मिले? कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिले? हाँ। वो तो बोल रहे करोड़ों का विकास करा। अरे करोड़ों का विकास है, नहीं हुआ? हाँ। क्या लगता है टक्कर है कि नहीं इस बार? बराबर कांटे की टक्कर है, कांटे की। आप शिवराज पसंद है, कमलनाथ पसंद है? कमलनाथ पसंद है। शिवराज नहीं है? नहीं। मामा जी तो बहुत काम कर रहे बोल रहे हैं। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कमलनाथ जी भरोसा है? हाँ पूरा। अरे भैया इनका कहना है इस बार टक्कर का माहौल है, आगे चलेंगे। कुछ काका बैठे हैं, काका आ रहे हैं, इनसे बात करें। काका कहाँ के रहने वाले हो? यही के रहने वाले। क्या लग रहा है माहौल, भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों, भाजपा क्या हो गया? चोर थी सरकार है वो तो। ऐसा? हाँ। क्या लगता टक्कर रहेगी इस बार? बिल्कुल बराबर रहेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस में उम्मीदवार कौन पसंद है लोगों को, टक्कर देने वाला उम्मीदवार कौन है? कोई शिवराज सिंह है तो जाएगा है? जाएगा। कांग्रेस की बात करें स्थानीय की, तो उमराव सिंह गुजर, तरुण बायती, हरीश दुआ, नंदू पटेल, कौन टक्कर देगा इस बार? ये तो टिकट मिलने में मालूम पड़ेगा। ऐसा? और टिकट सही को नहीं मिला तो जाएगा वो भी? हमारी सरकार तो बन रही है। सरकार बन रही है। राहुल गांधी मोदी कौन पसंद है? कमलनाथ मध्य प्रदेश का। तो नहीं वहाँ की बात करें, राहुल या राहुल? राहुल। राहुल मोदी पसंद नहीं है? मोदी पसंद नहीं है। मोदी पसंद नहीं है। एक चाय ये घूमती है आयुष जनरल स्टोर, इन भैया से बात करेंगे। भैया क्या लगता है चुनावी माहौल की अगर बात करें इस बार, माहौल क्या कह रहा है, भाजपा है कांग्रेस? कांग्रेस। भाजपा, शिवराज जी ने काम वाम नहीं कराया क्या? काम तो क्या, सब भाव में लपड़ा है थोड़ा। दिलीप सिंह परियार की बात करें, विधायक रहे 15 साल, बहुत काम करा, तो हमारे यहाँ तो नहीं आए हैं वो। मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। नाराजगी किसे, शिवराज से कम आ गए, विधायक से? विधायक से। विधायक से नाराजगी है इस बार। ये तस्वीरें दिखाइए, आगे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे इस बार। चुनावी माहौल क्या है, आम जनता का मूड क्या है, भाजपा पसंद है या फिर कमलनाथ पसंद है? भैया कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मलारगढ़ से रहने वाला हूं। मलारगढ़। एमपी का माहौल क्या कह रहा है भाजपा कांग्रेस? सर अभी थोड़ी बैंक ड्यूटी पे हूँ। बैंक की ड्यूटी पे बात नहीं करेंगे भैया। काका कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ हूँ को नहीं। यहाँ रहने वाले कहाँ के हो? तो बाहर का रहने वाला। बाहर कहाँ का? अरे सही बताओ कहाँ के रहने वाले? चलदू के रहने वाले। काका एक बात बताओ, भाजपा और कांग्रेस की बात करें, विधायक परियार 15 साल विधायक रहे, आए मिले आपसे, आपको योजनाओं का लाभ मिला, क्या स्थिति है? नहीं मिलियो। अरे आप बताओ आपकी, आप रुक जाओ यार, आप सब रुक जाओ 2 मिनट। आप बताओ विधायक जी आए मिले, क्या स्थिति है? कहीं नहीं मिलियो, कहीं मिलियो। काम वाम हुआ कि नहीं हुआ, विकास विकास? काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी साथ में बैठी हैं, इनसे बात करेंगे। भैया कहाँ के रहने वाले हो? सूटी। हाँ सूटी। ये कहाँ है? ये कहाँ है? सूटी नीमच में ही है। हाँ मंदसौर जिला है। मंदसौर। एमपी का माहौल क्या कह रहा है, भाजपा कांग्रेस इस बार? सही। किसका? कांग्रेस है। कांग्रेस का, भाजपा नहीं आएगी? हाँ। लो भैया इनसे बात करेंगे, महिलाएं यहीं की रहने वाली लग रही है। दीदी यहीं के रहने वाले हो? हाँ सर मैं तो यहीं। क्या लग रहा है अगर बात करें सरकार की, कौन सी सरकार ने फायदा दिया गरीबों को? गरीबों को तो सरकार माँ के तो कई फायदा नहीं दिया।
विधायक जी आए कि नहीं आए, मिले कि नहीं मिले? मिले ही नहीं है सर। माँ विधायक जी आए कि नहीं आए? माँ के तो ना तो कोई तनखा मिली रही के ना कोई कमरा मिली रहा सर। माँ के तो कुछ नहीं मिल रहा। लाली बहना का लाभ मिला नहीं मिला? लाली बहना का एक रिपोर्ट भी नहीं मिला। चलो भैया आगे भी बात करें। दीदी कहाँ के रहने वाले हो आप? क्या लग रहा है माहौल की अगर बात करें, भाजपा पसंद है महिलाओं का शिवराज कमलनाथ पसंद है? कमलनाथ तो शिवराज जी ने काम वाम नहीं करा क्या? करा। विधायक परिवार आए कि मिले कि नहीं मिले? विधायक जी नहीं मिले। विधायक जी नहीं आए। ये तस्वीरें बताना चाहूंगा यहाँ पे चलदू जो गांव है, चलदू गांव की तस्वीरें हैं। कहीं शिवराज पसंद है तो कहीं कमलनाथ पसंद है। बात करते हैं अगर विकास के दावों की, तो विकास को लेकर शिवराज से खुश जनता है लेकिन विधायक से नाराज है, तो कहीं कमलनाथ के वादों पर भरोसा है। चुनावी माहौल है, चुनावी बिगुल बज गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आचार संहिता लग चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर चुनावी मैदान में अधिकृत प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगना बाकी है। भाजपा और कांग्रेस किन्हें चुनावी मैदान में उतारती हैं और कौन सी पार्टी का विधायक बनता है, प्रदेश में किस किस सरकार बनती